राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला शिशु जगत। शिशु जगत में आज सुनते हैं कार्यक्रम रोटी। आलेख हृदय नारायण सेठ का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभु दयाल खट्टर। दोस्तों, एक था बबुआ, उसके बहुत दोस्त थे। वो जगह जगह गलियों में उनके साथ खेला कूदा करता। उधर बबुआ की माँ बबुआ को पुकारते पुकारते थक जाती। अरे ओ बबुआ, खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। ना किसी को खाने का ध्यान होता ना पीने का। माँ के बुलाने पर कई बार बबुआ जब घर आ भी जाता तो कहता, माँ माँ कहाँ हो, खाना दो, भूख लगी है। जब तक माँ खाना लाती बबुआ वापस भाग जाता। रोटी को ये अच्छा नहीं लगता। रोटी भी कई बार बबुआ को बुलाती, खाओ खाओ बबुआ प्यारी, मैं हूँ रोटी गोलम गोल। खाओ खाओ बबुआ प्यारी, मैं हूँ रोटी गोलम गोल। सारे करते मेरा भोग, मुझको खाकर जीते लोग। सारे करते मेरा भोग, हाँ मुझको खाकर जीते लोग। जग में ऊंचा मेरा मोल, मैं हूँ रोटी गोलम गोल। हाँ जग में ऊंचा मेरा मोल, मैं हूँ रोटी गोलम गोल। खाओ खाओ बबुआ प्यारे, मैं हूँ रोटी गोलम गोल। हाँ अरे खाओ खाओ बबुआ प्यारे, मैं हूँ रोटी गोलम गोल। बबुआ को खेल की धुन लगी रहती, वो रोटी की नहीं सुनता। एक दिन की बात है, बबुआ दिन भर खेलता रहा। शाम हुई, उसे भूख लगने लगी। वो घर आकर माँ से बोला, माँ माँ कहाँ हो, खाना दो, भूख लगी है। माँ घर में नहीं थी, बाहर गई हुई थी। बबुआ ने रोटी निकाली और खाने लगा। खाना खाते खाते उसे प्यास लगी। रोटी रख कर वो पानी पीने गया। पानी पीकर लौटा तो देखा वहां से रोटी गायब थी। बबुआ ने सोचा, अरे रोटी कहां गई, कहीं मैं सारी रोटी खा तो नहीं चुका। चलो दूसरी रोटी निकालता हूँ। बबुआ ने दूसरी रोटी निकाली, उसे थाली में रखा। तभी उसके मन में आया, थोड़ा गुड़ भी क्यों ना ले लूं, रोटी अच्छी लगेगी। ये सोचकर उसने गुड़ निकाला और रोटी की थाली की तरफ लौटा, लेकिन वहां से दूसरी रोटी भी गायब थी। उसने सोचा, कहीं वो गुड़ के चक्कर में रोटी लाना तो नहीं भूल गया। बबुआ ने फिर अंदर जाकर तीसरी रोटी निकाली। वापस लौटा तो देखा गुड़ भी गायब था। अरे गुड़ कहाँ गया, पता नहीं कहाँ रख दिया। चलो अब प्याज ही ले लूं। बबुआ एक टोकरी के पास गया, प्याज निकाला और फिर रोटी खाने लौटा तो तीसरी रोटी भी गायब थी। अरे रोटी कहाँ गई, अभी तो रख कर गया था। उसने रोटी की पोट ली, फिर से देखी, अब वहाँ एक भी रोटी नहीं बची थी।
वापस थाली के पास लौटा तो देखा, अरे वो प्याज भी गुम। माँ माँ कहाँ हो, मुझे भूख लग रही है। पता नहीं मेरी रोटियाँ कहाँ गई, प्याज और गुड़ भी गायब है। रोटियाँ मैंने खा ली, भूख लग रही थी, मैंने ही गुड़ और प्याज भी खाए हैं। कौन हो तुम? मैं एक राजा हूँ, मुझे भूख लगी थी, कहीं खाना नहीं मिला, जगह जगह भटक रहा था, तभी मैंने तुम्हारे घर से यह आवाज सुनी। खाओ खाओ बबुआ प्यारी, मैं हूँ रोटी गोलम गोल। खाओ खाओ बबुआ प्यारी, मैं हूँ रोटी गोलम गोल। सारे करते मेरा भोग, मुझको खाकर जीते लोग। सारे करते मेरा भोग, हाँ मुझको खाकर जीते लोग। जग में ऊंचा मेरा मोल, मैं हूँ रोटी गोलम गोल। हाँ जग में ऊंचा मेरा मोल, मैं हूँ रोटी गोलम गोल। खाओ खाओ बबुआ प्यारे, मैं हूँ रोटी गोलम गोल। हाँ अरे खाओ खाओ बबुआ प्यारे, मैं हूँ रोटी गोलम गोल। बबुआ, मैं सुबह से देख रहा था, तुम खेल कूद में लगे थे, तुम्हारी माँ तुम्हें बुलाती पर तुम भाग जाते, रोटी भी तुम्हें बुलाती, तुम उसकी भी नहीं सुनते। मुझे भूख लगी थी, मैंने तुम्हारी रोटियां देखी, प्याज देखा, गुड़ देखा, सब खा लिया। राजा, तुम्हारे पास पैसा है, सोना चांदी है, तुम्हें कहीं भी रोटी मिठाई मिल जाती, फिर भी तुम भूखे। हाँ, मैं लड़ाई में हार कर महलों से भाग आया हूँ, मैं जगह जगह भटक रहा हूँ। जंगल में भी मेरे पास पैसा था, सोना था, चांदी थी, मगर बेटा रोटी नहीं थी। मुझे भूख लगने लगी, जगह जगह ढूंढा पर रोटी नहीं मिली। इस गांव में आया, तुम्हारे घर में रोटी का गाना सुना और मुझसे रहा नहीं गया। एक तरफ थी भूख और एक तरफ तुम्हारी रोटियां। बबुआ, मैंने तुम्हारी सब रोटियां खा ली। तभी बबुआ की माँ आ गई, उसने राजा को देखा, वो बहुत खुश हुई। उसने अब राजा और बबुआ के लिए फिर से गरम गरम रोटियां पकाई। राजा और बबुआ ने रोटियों को चूमा, माथे से लगाया, फिर मजे से गुड़ और प्याज के साथ रोटियां खाई। अब रोटी भी खुश थी, वो गा रही थी, सारे करते मेरा भोग, मुझको खाकर जीते लोग। सारे करते मेरा भोग, हाँ मुझको खाकर जीते लोग। जग में ऊंचा मेरा मोल, मैं हूँ रोटी गोलम गोल। हाँ जग में ऊंचा मेरा मोल, मैं हूँ रोटी गोलम गोल। खाओ खाओ बबुआ प्यारे, मैं हूँ रोटी गोलम गोल। हाँ अरे खाओ खाओ बबुआ प्यारे, मैं हूँ रोटी गोलम गोल। रोटी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के
केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित